चलिए आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट, और आपकी जो एनर्जी है वो टू ऑफ कप की है। आप अपने पार्टनर से बेइंतहा प्यार करते हैं, जैसे एनर्जी होती है अपने पार्टनर से पजेसिव होकर के प्यार करना, पूरी तरीके से आपसे प्यार करें, इस तरीके की आपकी एनर्जी है। आप अपने पार्टनर को अपने दिल और जान से प्यार करोगे और संबंध में आप इसी एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करोगे। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है कि वो फायरी साइन को हो, एरिस, लियो, सैजरी। उसके साथ साथ मुझे एयर एलिमेंट के भी चांसेस लग रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कि उनका सन मून राइजिंग असेंडेंट कुड बी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से, आपसे कुछ हद तक नाराज हैं। उन वो हो सकता है आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं रिलेशनशिप में, और उनको ऐसा लगता है कि उनको पूरा कंट्रोल चाहिए रिलेशनशिप पे, जो आप कहो वो होना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी लगती है। और आप भी पॉजिटिव हो उनको लेकर के, तो कहीं ना कहीं वो आप पे को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनके आइडियाज आपके आइडियाज से बहुत हद तक डिफरेंट होते हैं और उनको ये चीज़ फील होता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ चीज़ों को आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो बहुत टाइम से आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं, और हो सकता है कि वो आपको नेक्स्ट मंथ में आपसे अपनी कुछ फीलिंग्स को शेयर करें। हो सकता है जो चीज़ें उन्होंने बहुत टाइम से अपने अंदर रखी हो, अच्छा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है कि वो अपना प्यार का इजहार आपसे करें, या हो सकता है कि कुछ गुस्से की बात हो, कुछ ऐसी बात हो जो आपने कभी की हो, तुमने उस टाइम पे वो किया था, वो चीज़ें उनको याद होंगी और वो आपको वो सारी बातें आपको सुनाने वाले हैं। बट जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी डोमिनेटिंग है, काफ़ी कंट्रोलिंग है, वो आपके पूरी तरीके से कंट्रोल रखना चाहते हैं। और जो आपके पार्टनर हैं वो अपनी बातों को बहुत स्ट्रांगली रखना पसंद करते हैं, और बहुत पार्टी पर्सन भी हो सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो नॉर्मली कभी कभी ड्यूल पर्सनालिटी को कैरी करते हैं, लाइक अ जेमिनी। ओके, ऐसा भी हो सकता है, कभी बहुत स्वीट, कभी बहुत अग्रेसिव, बहुत गुस्से में, तो इस तरीके की एनर्जी आपको फ्री उनकी देखने को मिलेगी। ओके, जो आपकी फीलिंग है अपने पार्टनर की तरफ, जो आपकी एनर्जी है वो है 9 of Wands की। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है आप बहुत अंडर प्रेशर हो, आप पूरे रिलेशनशिप को चला रहे हो, एक आप हो जो रिलेशनशिप में पूरा इनपुट दे रहे हैं, तो कभी कभी आप थक जाते हो ये करते करते। हर टाइम अच्छा बनना आपको परेशानी करता है हमेशा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपको सजेशन आ रहा है कार्ड के थ्रू, कि आप अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को पूरा कर रहे हैं, उनकी हर बात को सुन लेते हैं कि ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करे, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ब्रेक करिए और आप अपनी बातों को उनको एक्सप्रेस करिए कि कौन सी चीज़ कब तक ज़रूरी है, और उनकी हेल्प लीजिए इस रिलेशनशिप को बेटर करने की। क्योंकि जब तक आप अपना ट्रू साइड उनको बोलेंगे नहीं, तब तक वो भी नहीं समझता है, क्योंकि कोई भी नहीं समझता है जब तक आप उनको बोलो नहीं कि आप किस प्रॉब्लम से हैं, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है। तो आप ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। आपको इस बर्डन को उतारना है, इस ओवरबर्डन जो सिचुएशन है उसको कम करना है, आपको चैनलाइज करना है अपने रिलेशनशिप को, जिससे आपका रिलेशनशिप अच्छे से ग्रो करे, जिसमें दो लोग इक्वली पार्टिसिपेट करें, और कुछ वो एफर्ट लें और कुछ आप एफर्ट लें, जिससे आपका रिलेशनशिप और ब्यूटीफुली ग्रो करे। ओके, अब बात करते हैं आपके पार्टनर, देखो गुस्सा तो वो आपसे होते हैं, आपसे नाराज होते हैं, आपसे लड़ते भी हैं, आपको कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन उनको पता है कि आप जो हो आप उनकी पूरी दुनिया हो, इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, आपको वो हर तरीके से चाहते हैं, आप उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, वो आज चाहे आपसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, वो आपके बगैर रहना बहुत मुश्किल है। करंट सिचुएशन चाहे जैसे
से भी हो, बट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ. क्योंकि कार्ड्स भी जो हैं, यू नो, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और द सन का कार्ड है. ओके, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, और ये एक नंबर को डिनोट कर रहे हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांगली बता रहे हैं कि उन जो आपके पार्टनर हैं, जो एक बार सोच लेते हैं उस चीज़ के कारण भी रहते हैं, कहीं ना कहीं गुस्सा भी उनके साथ एसोसिएटेड है, सन एसोसिएटेड है, तो कहीं ना कहीं उनकी इमेज कॉन्शियस हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना उनको बहुत पसंद है, तो आप कुछ हद तक उनको पैम्पर किया करिए. बट ये बताना बहुत ज़रूरी है अपने रिलेशनशिप में कि हर चीज़ की एक थिन लाइन होती है, और उस लाइन की रिस्पेक्ट करना दोनों का काम है, दोनों का फर्ज है, तभी रिलेशनशिप ग्रो करेगा. ठीक है, ओके. आपके रिलेशनशिप में जो मुझे आपके एंड पे प्रॉब्लम लग रहा है वो है एम्प्रेस का. ओके, आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में सिर्फ एक कमी सी है, एक 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 एनर्जी की कमी है, एक ब्यूटी की कमी है आपके रिलेशनशिप में सब कुछ है. अगर आप फीमेल हैं तो आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको एक क्वीन की तरह फील करे, एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी की तरह फील कराए, और अगर आप मेल हैं तो आप चाहते हो कि आपकी जो पार्टनर है वो बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी को कैरी करे, बहुत फीमेल की तरह बातें करे, ड्रेसअप हो, लड़की की तरह दिखे, जो कि आजकल बहुत मुश्किल हो गया है देखना. बट फिर भी आप इस तरीके की एनर्जी चाहते हो, आप चाहते हो कि कुछ सॉफ्ट चीज़ें हों, कुछ स्मूथ चीज़ें हों, अच्छी चीज़ें हों आप दोनों के बीच में, तो ये सब चीज़ें आप चाहते हो. यही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी है आपके रिलेशनशिप में. बट मुझे ऐसा लगता है जब आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर से करोगे तो उनको वो इस चीज़ें फील होंगी और वो इस चीज़ पे काम करेंगे और आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत स्कोप है. सन का कार्ड है, नाइन ऑफ व्हील का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप में बहुत अबंडेंस, बहुत ही स्कोप है, आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जा सकते हैं. तो अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी भी तरीके से अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, या बात खुल के नहीं कर रहे हैं, या बातों को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो करिए और अपने पार्टनर को बोलो आप कि खुल के बात करो. अगर उनके दिल में कोई बात है जो वो बता नहीं रहे हैं कि आपको बुरा ना लग जाए, तो भी आप उनको बोलो कि वो बात खुल करके करें, क्योंकि कुछ चीज़ों को करना और क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपकी रीडिंग देखी जाए तो कार्ड बहुत अच्छे हैं, आपकी फीलिंग भी अपने पार्टनर को लेकर के बहुत अच्छी है, आपके पार्टनर की भी फीलिंग अच्छी है. अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस दीजिए और उनसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कीजिए, अपने रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है वो शेयर करिए, पूरे रिलेशनशिप का भार अपने कंधों पर मत लेके चलिए, अपने पार्टनर को भी कुछ दीजिए कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए, और आपका पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट और प्यार करेगा, और वो करेगा, वो जो भी आप कहोगे वो आपका पार्टनर ज़रूर करेगा, क्योंकि उसकी इमेज की बात है, अगर वो कैसे नहीं करेगा. ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपको अपने रिलेशनशिप में पूरी रिस्पेक्ट देगा, पूरी अच्छे से जगह देगा. और ऐसा भी है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म भी होगा, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है आया, जजमेंट का. तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, या आप अपने रिलेशनशिप को नहीं कैरी फॉरवर्ड करना चाहते, आपका रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, या आप सिंगल हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके लव लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है और आपकी दिल की घंटियाँ फिर से बजने वाली हैं. ठीक है जी, ये आपकी मंथ की रीडिंग है.